भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने शुक्रवार को छोरा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रचार रथ पर सवार होकर वे जनता के बीच पहुंचे और अपने समर्थन में वोट मांगा। जनसंपर्क के दौरान जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के स्वागत के लिए जगह जगह मंच सजाए गए थे। कई स्थानों पर जनता और महिलाओं द्वारा आलोक शर्मा का स्वागत किया गया। आलोक शर्मा ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के लोग लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पूरा देश मोदीमय और राममय होने जा रहा है। पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर चल रही है, राम लहर चल रही है और मोदी मैजिक का लाभ भोपाल में हमको मिलने वाला है। हर गली हर मोहल्ले में चले आइए, मोदी मैजिक दिख रही है और हर गली हर परिवार से यही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। ये मैं नहीं कह रहा, आप देखिए जनता में जबरदस्त उत्साह है। 35 साल से भोपाल की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे रही है, पर आज भोपाल की जनता 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और इस बार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मतों से जीतेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।